नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोट्रेंड में। और आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रियलमी यूआई से कलर वाइज में डिग्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो कलर वाइज में डिग्रेड करने के लिए आप दो तरीके का यूज कर सकते हैं। पहला तो आप Realme के सर्विस सेंटर में जाके डिग्रेड करवा सकते हैं, और दूसरा जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, उस तरीके से आप डिग्रेड कर सकते हैं। तो कलरओएस इंस्टॉल करने से पहले जो डिस्क्लेमर है वो आप सुन लीजिए, तो इसके बाद आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बैकअप ले लेना है। इसके बाद इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपके मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता तो लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। और यहाँ मैं जो आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आपको केयरफुली फॉलो करने हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक बार वीडियो देख लिया और समझ में आ गया। पहले आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जब आप कलरओएस इंस्टॉल कर रहे हैं तभी आप वीडियो चलाते चलाते ही उसे इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका डिवाइस बूट लूप में फंस सकता है। और मैं यहाँ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा दो बार ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है। और एंटर कर देना है। तो यहाँ रिकवरी सक्सेस।
इसके बाद अगर आपको फिर से रियल मी यूआई के अंदर अपडेट करना है तो आपको लेटेस्ट रियल मी यूआई की ओजिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है और अपग्रेड नाउ पे क्लिक करके इसे अपडेट कर लेना है तो आपका मोबाइल फिर से रियल मी यूआई के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।